नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। गरीब परिवार से निकलकर किसी भी शख्स के लिए सफलता हासिल करना दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। एक रिक्शा चालक के बेटे के आईएएस बनने की ऐसी ही कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम अब दिल्ली दूर नहीं रखा गया है। ये फिल्म 12 मई 2023 को रिलीज होगी। फिल्म की कहानी साल 2006 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनने वाले बिहार के गोविंद जायसवाल की है। फिलहाल वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर तैनात हैं। पिता एक रिक्शा चालक थे और काफी संघर्ष करने के बाद मेहनत के दम पर गोविंद ने सफलता हासिल की। गोविंद जायसवाल ने अपनी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की। इसके बाद वाराणसी से हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने बचपन से ही जिंदगी में काफी संघर्ष किया है। उनके इस कठिन सफर में उनके पिता और बहनों ने उनका काफी सहयोग किया। उनके त्याग और आशीर्वाद के बिना वो अपनी जिंदगी के इस मुकाम तक कभी पहुंच नहीं पाते। गोविंद जायसवाल के पिता एक रिक्शा कंपनी के मालिक थे और उनके पास 35 रिक्शे थे। गोविंद की माँ ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गई थी। पत्नी के इलाज में उनके ज्यादातर रिक्शे बिक गए और वो गरीब हो गए। जब गोविंद 7वीं कक्षा में थे तभी उनकी माँ की मौत हो गई थी। तब उनके पिता गोविंद और अपनी बेटियों के साथ काशी के अलईपुरा में 10-12 की एक कोठरी में शिफ्ट हो गए थे। कई बार गोविंद और उनके परिजन सिर्फ सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करते थे। इसके बावजूद गोविंद के पिता ने अपने चारों बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपनी तीनों ग्रेजुएट बेटियों की शादी में अपने बचे हुए रिक्शे भी बेच दिए थे। 2006 में गोविंद यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए थे। उनको पॉकेट मनी भेजने के लिए उनके पिता पैर में घाव होने के बावजूद रिक्शा चलाते थे। वो कई बार खाना भी नहीं खाते थे और ना ही उन्होंने अपने घाव का इलाज करवाया। गोविंद ने भी दिल्ली जाकर कोचिंग ज्वाइन नहीं की। वो वहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। रुपए बचाने के लिए उन्होंने एक टाइम का टिफिन और चाय भी बंद कर दी थी। 22 साल की उम्र में गोविंद ने 48वीं रैंक लाकर खुद को साबित कर दिया। उन्होंने अपने पिता के त्याग को बर्बाद नहीं होने दिया। गोविंद जायसवाल की पत्नी चंदना चौधरी एक आईपीएस ऑफिसर है। इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। चंदना को गोविंद के पिता ने उनके लिए पसंद किया था। वहीं चंदना के घर से उनकी नानी गोविंद से मिलने आई थी। गोविंद की एक लाइफ स्टोरी पर बॉलीवुड फिल्म बन रही है। आईएएस गोविंद जायसवाल की इस प्रेरित करने वाली कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाए जाने की तैयारी चल रही है। फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में गोविंद जायसवाल का किरदार अभिनेता इमरान जाहिद निभाएंगे। एक छोटे से शहर के गरीब परिवार के बेटे का आईएएस बनने तक का ये सफर दूसरों को प्रेरित करने का काम करेगी। एक्टर इमरान जाहिद ने गोविंद से मुलाकात की और उनके किरदार को पास से जानने की कोशिश भी की। गोविंद ने उनसे अपने जीवन के संघर्ष भी साझे किए जिससे जाहिद को किरदार निभाने में आसानी मिलेगी। वहीं फिल्म में अभिनेत्री श्रुति सोढ़ी ने एक पंजाबी लड़की का किरदार निभाया है जो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।